हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में बात की थी और मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था। और आज के लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी ऑफ आयन समझने वाले हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन समझने वाले हैं और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करने वाले हैं। इसके बाद और भी आगे बात करेंगे, जिसमें नॉर्मलिटी की बात करेंगे, मोलैरिटी की बात करेंगे, ये सारी बातें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके पेरेंट्स चैनल एवरी ट्यूटोरियल पर। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ आयंस क्या होता है और किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सारा मेथड वही है, सारा फार्मूला भी वही है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे यहाँ पे और उस रात पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बात करने के लिए हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल समझाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड एन ए प्लस आयन, थर्ड कार्बोनेट डबल आयन, कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। तो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया होगा, जिसने नहीं किया होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख के आए, उसको अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल आइए देखते हैं सोल्यूशन। दोस्तों हम लोग को पता है मोलैरिटी इक्वल टू एन अपॉन वी, ठीक है, वी इन द लीटर। ठीक है, तो एन क्या है, मोलैरिटी है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, जी क्या है, वैल्यू। तो सबसे पहली चीज कि नंबर ऑफ मोल्स, इसको कन्वर्ट करके हमने एक फॉर्मूला और दिया था यहां पर, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इन टू 1000 बाई वी, वी एम एल होगा, उसे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एक एम। अब उस कंडीशन में m = W, W क्या है बेटा का सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो 53 ग्राम m क्या है मल्टीप्लाई विद किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट का, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का, तो आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट 46 प्लस कार्बन 12, सॉरी ये लिख देते हैं कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 टू ओ, तो कितना हो जाएगा 3 टू 16, जिसे आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे किया जाएगा 48 + 50 = 106 ठीक है, 500 आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये कैंसिल टू आ जाएगा, ये कैंसिल टू आ जाएगा, ये कैंसिल, यानी कि इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी 1 है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, m = 1, ठीक है, यानी कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है। अब बाकी आपकी कि सेकंड क्वेश्चन कैसे लगेगा और थर्ड कैसे लगेगा। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, यदि किसी सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हुए होंगे, ठीक है, उतने ही उसके आयंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने सोडियम कार्बोनेट के दो मोल्स डिजॉल्व किए, दो मोल्स डिजॉल्व किए तो सोडियम कार्बोनेट के दो मोल मिलेंगे और कार्बोनेट के भी दो मोल मिलेंगे, या फिर दूसरे तरीके से समझे तो इसके दो आयंस है, यानी सोडियम का एक मोल यानी एक आयन, सोडियम का दो मोल यानी दो आयन, और इसका एक मोल यानी दो आयन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्लस होता है या डबल माइनस होता है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी ध्यान से पढ़े।
दो ऑप्शन है, पहले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आप इसे जब ब्रेक करोगे, ठीक है, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, Na++CO3-, तो एक प्लस डबल माइनस बैलेंस होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर, यानी कि इसकी कितने आयन है, इस सोडियम के एक आयन, लेकिन दो सोडियम है टोटल प्लस दो आयन है, यानी सोडियम की मल हम मोलैरिटी फाइंड करें तो 2m, ठीक है, और कार्बन की मोलैरिटी फाइंड करें कितनी होगी, 1m। आपको समझ में आया, फिर से समझो कि सोडियम पे एक आयन है, ठीक है, यानी इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, कितने एटम्स थे, दो एटम्स, 2 मोल, ये कार्बन है माइनस आयन, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1m, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से है ये टोटल इसका कार्बन, ठीक है, तो इसकी 1 मोल। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, तो आइए मॉलिक्यूल ऑफ आयन आपको क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको समझते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आप थोड़ा ध्यान से समझो, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने सॉल्यूशन बना के रखा होगा, ठीक है, उस बीकर में आपने सॉल्यूशन बना के रखा होगा, जैसे सपोज करो कि ये आपके पास एक बीकर था, इस बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन बना के रखा होगा, ठीक है, इसमें आपने सॉल्यूशन बना के रखा होगा, ठीक है, फिर आपने इसी सॉल्यूशन में बाहर से वाटर डिजॉल्व कर दिया, वाटर, ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वो भी होगी, ठीक है, यानी इसका जो आयतन होगा वो भी होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो एन होंगे, और इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं एम, कैपिटल एम मानते हैं, ठीक है, तो भी वन मान लेते हैं, एम वन मान लेते हैं, और इसे एन वन मान लेते हैं। इसी सॉल्यूशन में हमने बाहर से वाटर केवल डिजॉल्व किया है, ये सॉल्यूशन जब भी रहा होगा तो वाटर रहा होगा, कुछ सॉल्वेंट कुछ सॉल्यूट भी रहा होगा, यानी सर इसमें जो ये जो सॉल्यूशन बना होगा इसमें कुछ सॉल्वेंट होंगे और कुछ सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट जो भी होगा सॉल्वेंट हमारा वाटर ही वाटर है, ये सॉल्यूशन बना हुआ है, हमने इसमें बाहर से इसी सेम चीज में हमने बीकर को बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद हमने इसमें वाटर को डिजॉल्व कर दिया, वाटर को जैसे ही डिजॉल्व करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका वैल्यू भाई इस सॉल्यूशन तो वही, ठीक है, इसमें बाहर से वाटर डिजॉल्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, मोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सॉल्वेंट के वो तो बढ़ जाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग मोलैरिटी चेंज भी हो सकती है, मोलैरिटी चेंज क्योंकि भाई वैल्यू चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होना ही होना, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो भाई जो सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया था वो बढ़े या घट रहा है क्या, नहीं, जो यहां था वही तो यहां भी है ना, यहां यदि n यहां था तो यहां भी n, या n1 यहां था तो यहां भी n1, तो हम दोनों को n कर लेते हैं, दोनों को n कर लेते हैं। आप देखिए समझो, आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था मोलैरिटी का, m इक्वल टू n / v, v इन द लीटर ना, ठीक है, यदि इस वाले वाले कंडीशन के लिए लिया जाए कि हमें ये जानना है मोलैरिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो m1 n v1 अर्थात n इक्वल टू v1 into m1, इसे इक्वेशन 5 बना लो, सेम कहानी इसके लिए लिखा जाए, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू मिल जाएगा v2 into m2। अभी बताओ दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है कि इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी के कभी क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वी वन एम वन इज इक्वल टू वी टू इन टू एम टू। मतलब क्या है कि यदि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है उसमें हम पानी को डिजॉल्व करके उसकी कंसंट्रेशन को घटाकर या बढ़ाकर चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो हमारे लिए क्या कंडीशन है या क्या फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है V1 m1 = V2 m2, इस फार्मूले से हम उसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं जिससे हमें ज्यादा सुविधा हो जाए या ज्यादा समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सपोज करिए कि सोडियम 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन
dissolved in dissolved in 500 centimeters cube water. ठीक है, find the molarity of the solution. ठीक है, इसकी molarity कुछ है 1, मतलब कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, उस कंडीशन उसकी मोलरिटी 1 है. तो हमसे कहा जा रहा है इफ मिक्सचर ऑफ वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब इन सॉल्यूशन फाइंड द न्यू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. आई होप आपको बात समझ आ गई. मतलब क्या है, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व किया गया है, तो उसकी मोलरिटी 1 है. अब उस कंडीशन में यदि उस सॉल्यूशन में हम 100 सेंटीमीटर वाटर कलर से डिजॉल्व कर दें तो उसकी न्यू मोलरिटी क्या हो जाएगी, इसके बारे में हमें जानना है. तो आप एक चीज समझो, यदि हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में इसकी जो वैल्यू है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, इसकी मोलरिटी m की वैल्यू जो है, यानी g1 = 5 है, m = 1 है. ठीक है, अब फिर हमने इस बीकर में इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, v1 v2 600 और m2 आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है. तो ये फॉर्मूला आपके पास दिया है, इस फॉर्मूला को लगा लो, v1 m1 = v2 m2. v1 की वैल्यू कितनी है, 500 इनटू m1 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू कितनी है, 600 इनटू m2 की वैल्यू, वो हमसे पूछा गया है. अब अगर सर ये तो सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे. देखो भाई, आप इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बात तो वही हो जाएगी, तो इसलिए दोनों साइड चेंज हो गए, कोई दिक्कत नहीं. ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 5/6 = m2. आप इसे कैलकुलेट करोगे तो m2 की जो वैल्यू आएगी 5/6 यानी कि 0.833 m. यानी आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी जो थी वो 1 m थी, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिसॉल्व करने के बाद उसकी मोलरिटी जो थी 0.833 m, यानी उससे घट गई. ठीक है, तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लो, जो ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज जिसको क्लियर हो जाए आप देखते रहो. नेक्स्ट बात करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर. ठीक है, मिक्सचर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर की बात क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या कहता है और किस तरीके से डिफाइन होता है. तो आइए समझते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है. ठीक है, मतलब समझाते हैं आपको, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर. ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, आइए समझते हैं. मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हमसे ये कहता है कि सपोज करिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है. ठीक है, एक सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू v1 कुछ है, इसकी मोलरिटी m1 कुछ है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n है कुछ भी. ठीक है, क्या नहीं, बस n. एक और सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू v2 है, इसकी मोलरिटी जो है m2 है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n है. ठीक है, तो अब इस कंडीशन यदि हम इसको डिजॉल्व कर दें, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें, तो इस कंडीशन में इनका जो वैल्यू होगा वो v1 + v2 के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा.
और इनकी जो मोलरिटी होगी क्या वो m1 प्लस m2 के बराबर होगा? क्या ये पॉसिबल है क्या कि इन दोनों मिक्सचर को यदि हम एक साथ मिला दें तो इनका वैल्यू तो v1 प्लस v2 के बराबर होगा, इस कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इनकी जो मोलरिटी है वो m1 प्लस m2 के बराबर होगी? क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसमें m1 इसकी जो मोलरिटी थी वो v1, तो हो सकता है यहां पर v1 की वैल्यू मतलब कि वैल्यू कम हो या यहां पे वैल्यू ज्यादा हो, तो उसका कंडीशन ये नहीं कह सकते मोलरिटी m1 प्लस m2 के बराबर हो, तो होगी कितनी? तो आइए समझते हैं इस बात को कि मोलरिटी कितनी होगी। तो भाई आप एक समझो यहां पे इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यदि दोनों को मिलाया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? n ही होंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होने वाले जितने हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, हमने एक फॉर्मूला पाया था m = n/v, ठीक है। तो n = m1 v1 और इसके लिए निकाले तो n = m2 v2 होगा कि नहीं होगा? दोनों में क्या है, दोनों में जो मोल्स है ये इसमें n, इसमें भी n, दोनों को यदि हम ऐड करें क्योंकि ठीक इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इसके और इसके दोनों के बराबर ही तो होंगे। आपको समझने के लिए अलग अलग मान लेते, मान लीजिए n1 इसे n2 मान लीजिए, तो उस कंडीशन में n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो टोटल कितने आएंगे? n1 + n2 बराबर ही तो आएंगे। यानी जो फार्मूला आया है फार्मूले पे इसको अप्लाई कर दिया जाए तो m = n/v, यही ना, और आपको m निकालना है, m = n, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n1 + n2/v। अब यहां पे n1 + n2 की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू आपने निकाली है m1 v1 + n2 की वैल्यू आपने निकाली है m2 v2 अपन v की वैल्यू टोटल वैल्यू तो v1 + v2 है। तो इस कंडीशन में आपको ना न्यू सेंसर की जो मोलरिटी मिलेगी, मोलरिटी आपको मिक्सचर में मिलेगा वो इस बार में आप निकाल सकते हो m = m1 v1 + m2 v2 / v1 + v2। आई होप आपको मोलरिटी का मिक्सचर के कांसेप्ट को भी समझ लिया होगा और ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, या उससे पहले कोई क्वेश्चन लगा लिया जाए तो ये क्वेश्चन लगा ही लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग मोलरिटी पर बात करेंगे, मोलरिटी, ठीक है। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले फॉर्मूला, नोट्स बनाते रहिए आप लोग क्योंकि अपना नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपसे बनाया गया नोट्स। तो क्वेश्चन है इफ 0.2 m, इफ क्वेश्चन है इफ 0.2 m ऑफ 100 ml HCl solution is mixed in 0.1 m 300 ml HCl सॉल्यूशन फाइंड द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन फाइंड द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। बात समझ लो आप ध्यान से कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक HCl है, ठीक है, जिस की वैल्यू कितनी है 100 ml है, ठीक है, 100 ml का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है, जिसकी मोलरिटी है 0.2 m। और फिर एक और सॉल्यूशन है इन दो, इसकी मोलरिटी इस ये भी HCl ही है, इसकी मोलरिटी 300 ml में है, कितनी है 0.1 m। अब इस कंडीशन में दोनों को मिला के ये बन जाएगा, तो अब इसकी मोलरिटी क्या होगी? अब इसकी मोलरिटी उसके लिए m आपके पास फार्मूला है v1 सॉरी
V1 M1 plus M2 V2 अपॉन V1 plus V2। आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है इस तार में भी तो D की वैल्यू ML में रखेंगे कि लीटर में, ठीक है। देखो भाई यदि ये ML में दिया हुआ है तो आप ML में रखोगे तो अप्रॉक्स क्योंकि दोनों डिवाइड होगा ना, इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, सब डिवाइड होगा, ओवरऑल तो कैंसिल आउट भी होंगे ना, तो आप डायरेक्ट फार्मूले में रखो आपका आंसर आ जाएगा M is equal to V1 M1। V1 की वैल्यू कितनी है 100 into M1 की वैल्यू कितनी है 0.2 plus M2 की वैल्यू कितनी है 0.1, V2 की वैल्यू कितनी है 300 upon V1 plus V2 यानी 300 plus 100 कितना हो जाएगा 400। M is equal to हमें क्या मिल जाएगा 20 और ये कितना मिल जाएगा 30 upon 400। आप इसे कैलकुलेट करो n इक्वल टू 50 अपॉन 400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 5 अपॉन 50। आप इसे कैलकुलेट करो 5 अपॉन 50 1/8, ठीक है 1/8 यानी कि आप इसे कैलकुलेट करना चाहोगे 0.125 यानी 0.125 है, यानी न्यू मिक्सचर की जो मोलैरिटी होगी वो 0.125 मोल के इक्वल। आई होप आपको अब ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मोलैरिटी। अभी तक हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे थे, मोलैरिटी अब क्या पढ़ेंगे मोलैरिटी, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो मोलैरिटी आपने पूरा पढ़ लिया, इस टॉपिक को आप अच्छे से यदि कवर किए होंगे तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। यदि आप मोलैरिटी अच्छे नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो को जाकर देखिए, नहीं तो मोलैरिटी आपको थोड़ी सी समझने में परेशानी। मोलैरिटी मोलैरिटी यानी मोलरता, मोलैरिटी ठीक है यानी मोलरता की बात करने वाले हम लोग। मोलरता जो टॉपिक है वो सेम टू सेम मोलरता की तरह ही है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। हमने मोलरता पढ़ रहे हैं और मोलरता पढ़ने से पहले हमें मोलरता बात क्लियर होनी चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलैरिटी किस तरीके से डिफाइंड होती है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी डिफाइंड होगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे क्या कह रहा है समझिए, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्वेंट। मतलब क्या है यहां पर किसी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो इसे ध्यान समझिएगा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, यानी कि किसी सॉल्वेंट के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसके आधार पर हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, मोलरता को डिफाइन करते हैं। मोलरता को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम यूज करते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट इन लीटर, ठीक है। आपको बात समझ में आई, अपने साथ समझिए यहां पर कि हमने क्या कहा m is equal to number of moles in of solute and volume of the solvent, volume of the solvent यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको दूसरे तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, volume की जगह मास भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, mass of the solvent in kg, ठीक है, यानी n is equal to number of moles of the solute upon mass of the solvent in केजी, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्वेंट लिखा हुआ है, ये बात स्पेशल ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है,
सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज बात को समझाने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है कि फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी। अब पहला क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें मोलैरिटी फाइंड करना है जिसमें 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया, ठीक है। अब फिर से एक बात समझ लो कि m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं, ठीक है। तो इसके आधार पर इस फार्मूले को और मॉडिफाई चाहो तो कर सकते हो कि m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल m से लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि स्मॉल m इक्वल टू w इनटू स्मॉल m इनटू 1000 बाय कैपिटल, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनो, ये वायर बहुत परेशान करता है, ठीक है। m इक्वल टू w बाय m इनटू 1000 बाय m। इस फार्मूले में यदि हम इसको लगाते हैं तो m इज इक्वल टू w, w वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, m NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आप सबको पता है 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 इनटू 1000 अपॉन m। मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा भाई आप उस पर ध्यान से देखो कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। जहां पे आपका सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम और सॉल्यूशन आपको कितना मिल रहा है टोटल ओवरऑल 100 ग्राम, तो आप 100 में से 20 में से सॉल्वेंट कितना आएगा 80 ग्राम। बात समझ आ गई, यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है। आप इसे कैलकुलेट 1010 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल आउट करो 25 आ जाएगा, यानी इसे कैंसिल करो ये 4 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/4। जिसे आप कैलकुलेट करोगे 25/4 इज इक्वल टू 6.25 ये आ जाएगा आपका आंसर मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। या यहां पर स्मॉल एम भी आप लिख दो, जैसे कि मोल मोलैरिटी के लिए आप कैपिटल एम लिखते थे, यहां पर मोलैरिटी के लिए स्मॉल एम लिखते हैं, तो आप ये लिख सकते हो या फिर मोल पर केजी, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप आपको मोलैरिटी का ये डिफिनेशन और ये फार्मूला और ये फॉर्मूला तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और भी कर लेते हैं जिससे कि और आसानी हो जाए समझने में। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है इसी तरीके से, बस थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सॉल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हाँ ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml दिया हुआ है इस तरीके से। तो फाइंड द मोलैरिटी
cellularity of molarity of solution. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है. ठीक है, 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो उस कंडीशन में हमें उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है. तो भाई आप एक चीज समझो कि सर मोलैरिटी फाइंड करनी है तो ये क्यों गिवन है. आइए समझाते हैं कि ये क्यों गिवन है. लो सॉल्यूशन को ध्यान से, सबसे पहले आप m = लिखोगे इस मोलैरिटी पे. m = लिखोगे तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का आपको मोल चाहिए तो यानी 0.85. पहले फार्मूला लिख लेते हैं, w / m into 1000 / कैपिटल. ठीक है, मास है तो m = w 0.85 ग्राम अपॉन m. m क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा बोलिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा भाई. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया की बात करें तो n NH3 है, n का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 3 यानी 17 हो जाएगा into 1000 अपॉन m. मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए ना, मास ऑफ द सॉल्वेंट वो तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे. आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू होता है, मास अपॉन वैल्यू होता है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वैल्यू. और डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर एमएल, और वैल्यू भी आपको गिवन है 100 एमएल. एमएल से एमएल कैंसिल कितना आ जाएगा 120 ग्राम, यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया आपके पास. मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये है, हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. इसमें यदि 0.85 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है तो यदि 120 में से, यदि 120 में से हम 0.85 ग्राम माइनस कर ले तो 119.15 ग्राम ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा. तो 119.15 रख लीजिए और आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मोलिटी आपका फाइंड हो जाएगा. या फिर आप इसे ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, ग्राम पर सॉरी मोल पर केजी भी लिख सकते हो, मोल पर केजी सॉल्यूशन का आपको आता है, बड़ा बात कर लीजिए. ये आपका आंसर आ जाएगा. आई होप आपको अब ये बात को समझ में आई गई होगी कि मोलिटी किसे कहते हैं और किस तरीके से डिफाइन होती है. इस पर दो क्वेश्चन भी हमने करा दिए, बाकी आपको बुक्स लगाइए जो भी हो, और इतने में आपके क्वेश्चन आसानी से क्लोज सॉल्व करके तो सॉल्व हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगले टॉपिक को समझते हैं थोड़ा सा. अगले टॉपिक हमारी जो है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे, जब भी आप लोग समझोगे तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात किया सबसे पहले तो सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन का. कंसंट्रेशन का के अंदर हम लोगों ने दो पार्ट्स डिवाइड किए, एक जो मास पर डिपेंड करता था, सॉरी एक वैल्यू पे जो डिपेंड करता था, और दूसरा जो मास जो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता था. अब इस कंडीशन में हमने जो पढ़ा उसमें w/w, v/v, v/w and w/v ये पढ़ लिया, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, मोलैरिटी पढ़ ली. अब उसके बाद लास्ट में बच गया नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना होना चाहिए जिसे हम तुल्यांकी भार कहते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कहते हैं, इक्विवेलेंट मास या जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार. तुल्यांकी भार आपको निकालना आना चाहिए, यदि तुल्यांकी भार आपको निकालना नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में दिक्कत है, क्योंकि तुल्यांकी भार निकालना नहीं आएगा तो हम नॉर्मैलिटी भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो आइए पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि नॉर्मैलिटी क्या होती है. तो आइए इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, तो जिस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हो, जिस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हो उतने ही आसानी से आप इक्विवेलेंट मास भी फाइंड कर पाओगे यदि आपको एक छोटा सा तरीका पता हो. तो आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड कर सकते हो या इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या मापदंड है. ये वायर बहुत फंसा जा रहा है. इक्विवेलेंट मास
ठीक है। इक्विवेलेंट मास के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला देने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। एक्स को फिलहाल के लिए क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है। फिलहाल के लिए बैलेंसिंग फैक्टर इसका नाम है। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर। मोलर मास निकालना तो सभी को आता है और बैलेंसिंग फैक्टर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि आप एक और तरीका है जहां पर ही लगा सकते हो, लेकिन वो बात सबके पास लागू नहीं होती है, इसलिए उस बात को भी हम बात नहीं करेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए आप वो पढ़िए जो सीधा सीधा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स की, सर मान लीजिए कि हमें किसी का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उस कंडीशन में एक्स कहां से आएगा सर, और एक्स है क्या वास्तव में। मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि सर कोई एसिड है हमारे पास, ठीक है, कोई एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो सर इसका मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल लेंगे, लेकिन एक्स क्या है, ठीक है। तो एक्स क्या है उसके लिए समझिए, तो एक्स को बैलेंसिंग फैक्टर कहते हैं, और बैलेंसिंग फैक्टर हम फिलहाल तीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक एसिड के लिए, एक बेस के लिए और एक सॉल्ट के लिए, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। यदि आपके पास एसिड है तो डिफ्रेशन ऑफ एसिड क्या कहता है, एसिड का डिफ्रेशन कहता है इसमें इसमें एस प्लस एन मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक बार ध्यान से समझो कि किसी एसिड में जितने एस प्लस एन मिलेंगे वही उसका एक्स का मान होगा, यानी उसी उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। जैसे यदि हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाले, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 32 प्लस 60 × 4 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 98 अपान। अब एक बार समझो, यदि H2SO4 एक एसिड है, ठीक है, H2SO4 एक एसिड है, इसमें कितने H+ आयन मिलेंगे, तो आपको पता है H+ और SO4 डबल माइनस, लेकिन डबल माइनस को बैलेंस करने के लिए 2+ चाहिए, 2+ यानी कितने 2+ मिलेंगे, 2 और 2 से डिवाइड कर दो, यानी आंसर आ जाएगा 49, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ द H2SO4 जो होगा वो 49 होगा, 49 ग्राम के, ठीक है, यूनिट ऑफ मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 49 ग्राम, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। मान लो कि यहां पर और लेते हैं, हमारे पास HCl है, ठीक है, H+ आयन देगा, एसिड है ना, H+ आयन देगा, ठीक है। अब इसका कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट मास चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो आपको पता है H का 1 + HCl का 35.5/1, ठीक है, कितने H+ आयन देते हैं, वही 1 के लिए इसे आप कैलकुलेट करो, 36.5/1 इक्वल टू 36.5, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl जो होगा वो 36.5 ग्राम होगा। आई होप आपको एसिड का समझ में आ गया होगा, इस तरीके से बेस का समझते हैं, बेस इस तरीके से बहुत ही इजी है, बस थोड़ा समय लगाने की जरूरत है भाई। अब एक बात तो आप ध्यान में रखो कि आपको क्लास 10 में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ के आए हो, तो आपको इतना पता तो होना चाहिए कौन सा एसिड है, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, आई देखते हैं बेस के बारे में। बेस आपको पता है कि बेस की डिफरेंशियल की बॉडी कितने, इसमें OH- होते ही होते हैं, ठीक है, इसमें जितने OH- आयन होंगे वो उसका एक्स फैक्टर कहलाएगा, यानी बैलेंसिंग फैक्टर कहलाएगा। तो मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं BOH का होल ट्वाइस, बेरियम ऑक्साइड, ये है ना बेस। अब यदि बेस है तो इस कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें बस केवल चाहिए कि इसमें कितने माइनस हैं, OH- माइनस हैं कितने, भाई OH- आयन तो दो दिख रहे हैं ना, OH- आयन की क्वांटिटी कितनी है, 2, तो इसके मॉलिक्यूलर मास में आपको उसके भाई कर दो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लो KOH ले लो, तो इस कंडीशन में किसमें कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है OH तो आप वन से डिवाइड कर दो। इस तरीके से यदि AlOH का होल ट्वाइस ये है, इसमें कितने OH- दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो आप 3 से डिवाइड कर दो। यदि आप MgOH का होल ट्वाइस देख लो तो इसमें 2 दिख रहे हैं, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी इतना ही है। केवल एसिड और बेस देखो आप ध्यान से, एसिड देखोगे
बेस देखोगे OH माइनस होना चाहिए, जितने क्वांटिटी में रहेंगे उतने x की वैल्यू हो जाएगी, आप डिवाइड करो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट का, सॉल्ट भी बहुत इजी है, आपको पता है कि एसिड और बेस दोनों मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, आपको पता है एसिड और बेस दोनों मिलकर यदि सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये भी आपको पता होगा कि इसमें आयंस होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं NaCl, ठीक है, तो आप एक चीज समझो कि जितना इसमें प्लस आयन मिलेगा उतना ही इसमें माइनस आयन मिलने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स फैक्टर के लिए आप यूज कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, आप ये यूज करो, या इसकी जगह टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों, क्योंकि भाई कोई एसिड सॉरी सॉल्ट है तो उसमें जितने नंबर ऑफ माइनस आयंस होंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस भी होंगे, तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई ले सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कोई एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि पता चले दोनों लिख लिया कि प्लस माइनस, पता चले कि सोडियम प्लस वन और क्लोरीन माइनस वन मिला कर दो जीरो, तो सर जीरो आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है, आप एक बार समझो ध्यान से कि आपको प्लस साइन या माइनस साइन चाहिए, लेकिन किसी एक का, जिसका भी आपको आता हो उसका निकाल कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक का, ऐसा नहीं पता चले कि अब दोनों का निकाल लिया और दोनों का निकालने के बाद जीरो आता है और जीरो निकालने के बाद हमारा किसी काम का ना आया फिर हमारा आंसर जीरो आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आई होप आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया होगा, और इक्विवेलेंट मास में फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए अलग, गैस के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है, ये हम क्यों पढ़ा रहे थे क्योंकि नॉर्मेलिटी जब पढ़ेंगे तो नॉर्मेलिटी में इसका यूज है, ठीक है, और नॉर्मेलिटी में इसका यूज है और नॉर्मेलिटी के अंदर इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास आना ही चाहिए, इक्विवेलेंट मास नहीं आ रहा है तो हम नॉर्मेलिटी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है, इस पे जिससे कि आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो जाए इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट मास फाइंड द इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला हम करने देते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 H2SO4 और NaCl एंड एक और ले लेते हैं QOH, ठीक है, देखो भाई हमने एक एसिड भी ले लिया, एक सॉल्ट भी ले लिया और एक बेस भी ले लिया, ठीक है, ये तीनों ले लिया हमने, तो आइए तीनों को एक बार लगा के जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो मास इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकल लो भाई, अभी आप जोड़ोगे कितना आएगा इसको, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास 98 आ रहा था, हां 98 आ रहा था, ठीक है, अपन इसमें कितने एच प्लस आयन मिलेंगे, दो को मिलेंगे, कैलकुलेट करो कितना आएगा 49, ठीक, नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 23 प्लस 35.5, अपन कितने प्लस आयन होंगे, एक ही प्लस आयन होगा, एक ही माइनस आयन होगा, दोनों ऐड करो कितना आ जाएगा 58.5, यानी यहां पे इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा इतना आ जाएगा। नेक्स्ट QOH की बात कर ले, इक्विवेलेंट मास ऑफ QOH दो भाई पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 90, कहीं कहीं 20 भी लिखता है, ठीक है, तो फिलहाल हम 90 ले रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 60 प्लस हाइड्रोजन का 1, आप इसे ऐड करो कितना आ जाएगा, इसे ऐड करोगे आ जाएगा एक टोटल 36 अपॉन 1 यानी 36। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब तो इक्विवेलेंट मास अपने निकाल लोगे आसानी से, हाँ ठीक है, जिन लोग कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं यस सर, ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप आज की, और आज की नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी वो है नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी क्या होती है और किस तरीके से इसको डिफाइन
किया जा सकता है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिए। देखिए भाई नॉर्मेलिटी आज का अगला टॉपिक क्या है, नॉर्मेलिटी। अरे यार ये भाई तो बहुत परेशान करते हैं, ठीक है नॉर्मेलिटी, ठीक है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की बात करें यार तो नॉर्मेलिटी क्या होती है और ये किस तरीके से डिफाइन है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए समझिए थोड़ा सा। देखिए अभी तक मोलैरिटी पढ़ा और मोलैरिटी पढ़ा, दोनों में क्या था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है इसी बारे में बात करते हैं। यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग यदि फार्मूला बनाए नॉर्मेलिटी को, तो नॉर्मेलिटी को एज रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल। अभी इसके पहले यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ मोलर, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन द 1 लीटर सॉल्यूशन, यदि ऐसा होता तो क्या रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वैल्यू, ठीक है। ये यदि यही भी बात करें तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंस मास अपॉन वैल्यू इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा और मैनेज करा सकते हो जैसा कि उसके पहले हमने लिखा था उसमें, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगी x फैक्टर, ठीक है। तो आप इसे x फैक्टर नहीं लिख सकते तो या लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास अपान x फैक्टर इंटू 1000 बाई 3, ठीक है। यदि n mm में हो, d mm में हो तो उस कंडीशन में, ठीक है। देन यही यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूले पे हमारा काम चल जाएगा। आप दोनों माइंड रखते रहना। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन फाइंड द नॉर्मेलिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन फाइंड द नॉर्मेलिटी, यानी 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 इसमें डिजॉल्व है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो आइए देखते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन वैल्यू, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास तो क्या है H2SO4 है ना, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है मोलर मास अपॉन x फैक्टर। तो मोलर मास आप निकाल सकते हो आसानी से, मोलर मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, मोलर मास निकालने के लिए आपके पास सिंपल का फॉर्मूला आप निकाल भी रहे हो कई बार से, तो 98/2 इक्वल टू क्या आएगा 49, यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 49, यानी इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो कितना आएगा 49। अब आपको क्या निकालना है नॉर्मेलिटी निकालना है, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आपको पता है 49। अब नेक्स्ट क्या होता है वैल्यू इन द लीटर, तो 500 है 500 लेकिन इन द सेंटीमीटर क्यूब है ना, हमें तो किसमें चाहिए लीटर में चाहिए,
क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल आउट करो, 2 आ जाएगा, नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी 98। नॉर्मलिटी का सिंबल होता है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आई होप आपको ये परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक और बात हम आपको बता दें, ये जो बात हम लास्ट बात करने जा रहे हैं आप लोगों से, ये सभी जगह यूज किया जा सकता है। जैसे कि वॉलेंटी में यूज किया जा सकता है, वॉलेंटी में यूज किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी में यूज किया जा सकता है, ठीक है। वो बात क्या है, ठीक है, वो बात है कुछ जैसे कि आपसे बात की जाए, क्वेश्चन वो दे रहे सेमी नॉर्मल, ठीक है, सेमी नॉर्मल, या आपसे बोल दिया जाए सेमी मोलर, मोलर मोलेंट, सीधे सीधे मोलेंटी, सेमी मोलेंटी लिख दिया जाए या सेमी मोलर लिख दिया जाए, या सेमी नॉर्मल लिख दिया जाए, सेमी नॉर्मलिटी लिख दिया जाए। तो इस तरीके से मैं आप समझ जाना कि नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो 1/2 या इसे एन बाई टू कर सकते हैं, ठीक है। मोलेंटी की जो वैल्यू है वो एन बाई टू, सॉरी एन की वैल्यू जो है वो एन बाई टू या 1/2 दी गई है, ठीक है। ये बात आप समझ जाना, यदि एक पर सेंटीमोलर लिख दिया जाए, दिया जाए तो सेंटीमोलर लेंगे कितना होता है 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी है, या बाइनॉर्मल बोल दिया जाए, बाइनॉर्मल बोल दिया जाए, तो बाइनॉर्मल का मतलब क्या है 2n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो इस सभी बातों को आप याद रखिएगा और समझते रहिएगा कि यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है उसके बारे में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें कुछ विशेष नहीं करना है, बस केवल इतना समझना है कि यदि सेमी नॉर्मल, सेमी मतलब क्या होता है हिंदी में समझो आप, सेमी मतलब अर्ध मतलब आधा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी जो भी है उसकी आधी है, यानी आधी है, एन बाई नॉर्मलिटी जो भी दी हुई है उसकी आधी है, ठीक है। बाइनॉर्मल, बाई मतलब क्या होता है दुगना, ठीक है, दुगना है, यानी जो भी नॉर्मलिटी है उसकी दुगनी है। ये केस नॉर्मलिटी का ही नहीं बल्कि मॉलिक्यूलिटी का भी बनेगा, मोलैरिटी का भी बनेगा और मोलैरिटी की भी बनेगा, यानी कि तीनों केस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत है भाई आप ध्यान से देख लो, कोई परेशानी है तो आप समझ लेना, देन अदरवाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग इतनी बातें करेंगे, और कल के लेक्चर में आपको मिलेगा वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें आपको राउल्ट्स लॉ के सारी चीजें बात हम लोग करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही।